जी अस्सलाम वालेकुम। रात का बड़ा ज़बरदस्त स्टे रहा इधर नगर में। हम लोग इधर राकापोशी व्यू पॉइंट पे आकर ठहरे थे। यहाँ से बिल्कुल सामने स्ट्रेट राकापोशी का जो है हमारा व्यू है, और धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है और इन्जॉय कर रहे हैं। आज का जो प्लान है वो हमने मज़ीद आगे ट्रैवल करना है। यहाँ से 2 से 2.5 घंटे दूर होपर वैली है। आज का दिन सारा वहाँ स्पेंड करेंगे, वहाँ से फिर दोबारा वापस इधर आएंगे और फिर आगे विल मूव टूवर्ड्स इस्लामाबाद एंड देन लाहौर। मैजेस्टिक राकापोशी बिल्कुल आपके सर पे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इन्जॉय करेंगे, मज़े आएंगे आपको। ये देखें जी, ये है जी राकापोशी। ये जी हमारा अब सफर शुरू हो गया है राकापोशी से। वी आर गोइंग टुवर्ड्स होपर वैली। एग्जैक्ट पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये इन्होंने ख़ुद ये सारा पैटर्न कार्व किया हुआ है लोकल्स ने। यहाँ रास्ते बनाए हुए हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर जो है आबादियाँ हैं वहाँ पे जाने के लिए। और ये बाइक्स के लिए तो ठीक है, मतलब आप बाइक पे जा सकते हैं, पैदल ट्रैक कर सकते हैं, जीप के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ से 40 किलोमीटर है। अब ये है जी खूबसूरती, ये है कलर्स ऑफ ऑटम, क्या बात है, कमाल। यही रंग जो है ये समेट के वापस लेकर जाने हैं। लैंडस्लाइडिंग का कोई पता नहीं होता, कभी भी हो सकती है। बारिश हो तो लैंडस्लाइडिंग तो किसी ना किसी पॉइंट पर मस्ट होती है। लेकिन ये है कि जीपी की जो इंतजामिया है वो बड़ी एक्टिव है, हर वक्त देयर ऑन देयर टोज। वो हसनाबाद की कलाड़ी, अच्छा वो हर वक्त देयर ऑन देयर टोज, क्योंकि कहीं जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको फौरी तौर पे जो है वो ये टेकअप करते हैं। इधर ऊपर ना एक नया होटल बना है, एम्बियंस होटल, बड़ा ज़बरदस्त है, इसका व्यू बड़ा कमाल। अगर तो आप फैमिली के साथ हैं तो इधर भी रहा जा सकता है। ऑनलाइन इसकी रिजर्वेशन करवाएं और टाइमली बुकिंग करवा के इसको एंजॉय करें। पूल भी इनका बन रहा है, हॉट वाटर पूल है, मज़ेदार सीन होगा। अलियाबाद बाज़ार के बाद आपको 10 मिनट के बाद एक इंटरसेक्शन और चौक मिलता है। पहले तो गणेश आएगा, गणेश के बाद आपको एक चौक मिलेगा। चौक तो नहीं है, बेसिकली मेन रोड के साथ एक डाइवर्जन है जहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ आपका सारा करीमाबाद बाज़ार और अतीत बतीत फोर्ट को रास्ता ऊपर जा रहा है। वो रास्ता आप लेंगे तो आप अतीत बतीत फोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। रोड अगर आप सीधा लेते हैं तो फिर आपको सीधा फर्दर आगे जो आबादियाँ हैं उनकी तरफ ये स्ट्रेट रोड जो है वहाँ ले जाएगा। ये सारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट, ये नगर है सारा। राइट साइड पे आप लेंगे तो आप नगर वाली साइड पे जाएंगे। ये साथ साथ दरिया चल रहा है। यहाँ से जितने ये पत्थर पड़े हुए हैं ये सारा
का सारा मार्बल है, ये मार्बल के टनल्स बनाए हुए हैं इन्होंने नगर में, और यहाँ से ये सारा ये मार्बल निकलता है, ये ब्लॉक्स की सूरत में निकालते हैं और फिर यहाँ से इसको मोबिलाइज और आगे मूव करते हैं। मेन रोड से तकरीबन 25 मिनट के बाद आपको ये चौक मिलेगा। इस चौक में होपर बाज़ार भी है और होपर बाज़ार पे ऊपर हिस्पर है और राइट साइड पे आपकी ऊपर वाली है। ऊपर वाली 9 किलोमीटर है, हिस्पर जो है वो 34 किलोमीटर है। जन्नत दिखाऊं आप लोगों, देखें ये रास्ता जो है ऑल द वे नीचे जाता है ग्लेशियर को, लोग जा रहे हैं। ये वाला सारा जो है ना, ये ज़िगज़ैग ट्रेल है, ये वो ग्लेशियर पे जाता है, जाकर ग्लेशियर को हाथ लगा के वापस आना। ये रास्ता ऊपर है, ऊपर के लिए व्यू पॉइंट वो बना हुआ है, लेकिन हम जाएंगे नीचे ग्लेशियर तक। ग्लेशियर जाने के लिए तकरीबन आपका कोई 1.5 घंटा जो है ना कम अज कम लग जाता है, 1.5 घंटे का ट्रैक है बिल्कुल नीचे तक ना। नीचे जाना तो चले आसान है, जल्दी हो रहा है, तो ऊपर आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, इधर से चलते हैं। पाओ ना तुमने टेढ़ा रखा, ऐसे टेढ़ा करके फंसा दो फिर आगे, ठीक है? पीछे नहीं आ सकते ओए, कमाल मज़ा आ रहा है। ग्लेशियर पे आ गए हैं, ग्लेशियर पे आके आपने कुछ चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि चूँकि ये मेल्टिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, आपको यहाँ पे ग्लेशियर पे आके ना प्रॉपर आवाज़ें आती हैं बर्फ़ के टूटने की। तो रास्ता अपना वो वाला चूज़ करें कि ग्लेशियर के अंदर जाना है, रास्ता वो चूज़ करें जो थोड़ा सा सॉलिड ग्राउंड आपको लग रही है, पीछे सारा ग्लेशियर। और ये है सारा ट्रैक जो हमने कवर करके जाना है, सारा ट्रैक ना इसी तरह कीचड़ वाला, आपको अपना पैर थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। मेरा प्लान नहीं था ग्लेशियर करने का, वरना मैं अपने दूसरे जो ट्रैक बूट्स हैं वो लेकर आता, लेकिन चलें अब चौकर्स हैं, इन्हीं से काम चलाना पड़ा। ये बर्फ़ चेक करें, बर्फ के ऊपर का सुभान अल्लाह इंतहा खूबसूरत। एंड वी हैव मेड इट, हाँ हाँ इस साइड से आए हैं हम डंडे से, और यहाँ पे हम खड़े हैं, हाथ जम गए, ठंड बहुत है। फाइनली ग्लेशियर के ऊपर पहुंच गए हैं, मजीद आगे जा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, सारा ऐसा ही है। बहुत
बहुत ही मजेदार सीन है। ठंडी बर्फ या हवा चल रही है, थोड़ी जरा छुपी मारने के लिए जैकेट वैकेट उतारी है, गंदी हो गई थी इसलिए उतारी है, लेकिन बर्फ पड़ी है। आपको यहाँ पे बर्फ के क्रैक होने की आवाज़ बकायदा आती है और इतना यहाँ सन्नाटा है कि कैमरे से 15 फुट दूर हूँ मैं, लेकिन मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक ये फोन ही रिकॉर्ड कर रहा है। जो ग्लेशियर है पीछे, जो पहाड़ी सिलसिला है, वो आप देख रहे होंगे बर्फ पोश ढकी हुई पहाड़ी है, वहाँ से थ्रूआउट शुरू होता है और वो पहाड़ों के बीच में जगह है। सूरज यहाँ पर इतना नहीं पड़ता, इसीलिए बर्फ यहाँ पर सारा साल इसी तरह पड़ी है। दोबारा यहाँ पे स्नो होने का दी है और ये बिल्कुल जो ग्लेशियर है ना, अपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है पिघलने के, मोर और लेस लास्ट मोमेंट पे है। महीने बाद जो है यहाँ पे बर्फ होगी। वी गॉट द चांस टू ड्राइव अप हियर और हाई मजेदार नहीं जी, ये ग्लेशियर तो सारा कवर करके आ गए, अब चढ़ाई है ऊपर, पांव पक्के रखने पड़ेंगे। स्की है कि जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से, टाइम लगता लग जाए कोई मसला नहीं है। अपने पांव ऐसे रखें जहाँ पे कोई ऊपर से पत्थर ऊपर ना आकर गिर सके, क्योंकि आप अगर फ्री रहेंगे तो आप कोई ना कोई रास्ता अपने लिए बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आवाज़ ना एको करती है, थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग भी करूँ। मेरा पाकिस्तान विद सलमान, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई ने पूरा ट्रैक कर लिया है, वो नीचे से आए हो, ट्रैकिंग की आदत नहीं थी, सांस चढ़ा हुआ है, लेकिन एवरी सिंगल मिनट ऑफ इट वर्थ इट। हमारा ट्रैक भी अब हो गया है ख़त्म, शुक्र। ये देखें जी, ये हमारा पत्थर है जो चाइनीज़ और बाकी ममालिक के लोग लेकर जाते जा रहे हैं। इतनी मादनी आदा है, इतना हमारे पास ज़खीरा है रूबीज़ का, सोने का, महंगी धातुओं का, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग इसको माइन नहीं कर रहे और गोरा जो है या चाइनीज़ वो इसको निकाल के लेके जा रहे हैं। इसकी शाइन देखें भाई जी, लोकल फूड है, इसके अंदर सरप्राइज़ है, चावल, दाल माश और ताज़ा रोटी, और ये है जी गर्मा गर्म गोरकुन। गोरकुन होता है आपका फ्रेश मटन। ब्यूटीफुल। और ये लकड़ी का चमचा जो है, ये देखिए कैसा बेहतरीन है। हांडी जो है वो मुझे लगता है ये पत्थर की हांडी है, ये जो जैसे जितना इसका वजन है जिम किया जा सकता है वो बहुत अच्छा है।